तुम हरामी आ ही गए ना, मन रहा कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हमें ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई कंप्लेन करने नहीं बैठा हूँ। एमसीयू ने जैसा भी आंट मे को दिखाया है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक हिसाब से सोचोगे मे पार्कर पीटर की आंट है, ग्रैंड मा नहीं। एक 16-17 साल के टीनेज बच्चे की आंट की उम्र क्या हो सकती है, 80 साल तो नहीं ना होगी, जैसे हमें स्पाइडरमैन 1 में दिखाया गया था। अब देखो दोनों सिनेरियोस के अपने अपने अच्छी और बुरी बातें हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो सबसे पहले अपनी अच्छी बातों से ही शुरू करते हैं। तो जब हमने 2002 में आंट मे को देखा तो वो काफी उम्रदराज थी, पीटर को इमोशनली सपोर्ट करती थी और वो पीटर की आंट कम दादी ज्यादा नजर आती थी, और जो कि उस समय तक उन पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अब देखो पीटर की जिंदगी में देखें तो एमजे को छोड़ दिया जाए तो उसकी जिंदगी में उसका अपना है ही कौन। अपनी सैम रेमी वाली ट्रिलोजी में आंट मे एक कतई आइडोलाइज वुमन है, पीटर को इमोशनली जितना मोटिवेट इन्होंने किया है पूरी ट्रिलोजी में किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि मुश्किल समय में एमजे ने भी पीटर को एक पॉइंट पे छोड़ दिया था, मगर यहाँ सिर्फ आंट मे ही थी जिन्होंने पीटर को संभाला। अब इसी के साथ अपनी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली आंट मे पे आते हैं। अब यहाँ की आंट मे पीटर को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव नेचर की हैं। पीटर को उसके माँ बाप के बारे में भी नहीं बताना चाहती ताकि वो उसे भी ना खो दे, उसकी काफी फिक्र करती है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे लड़ के आया, और इन दी एंड इमोशनल भी है। अब इमोशनल तो सैम रेमी वाली आंट में भी थी, मगर यहाँ अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली आंट में काफी इमोशनल है। इन्होंने पीटर को इमोशनली सपोर्ट तो किया ही है, और मेन बात इन दोनों आंट्स ने पीटर के कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफी योगदान दिया है। अब इसके बाद अपने एमसीयू के आंट में की बात करते हैं, तो इन्हें देख के सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि ये पटाखा है। देखो सीधी बात बोलता हूँ, मतलब कि एज ए अच्छे सेंस में, अब इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जैसे कि मैंने बोला कि एक 16-17 साल के लौंडे की आंट कितने साल की होगी, मतलब कि समझ ही सकते हो कि एमसीयू का स्पाइडरमैन सिविल वॉर मूवी से लेकर अभी तक हाई स्कूल में है, और जहां रही इससे पहले की स्पाइडरमैन मूवीज की बात तो वहां पीटर ग्रेजुएशन कर रहा था और एक पॉइंट पर ग्रेजुएशन पूरी भी कर लेता है, तो समझ में आता है कि ग्रेजुएशन वाली उम्र कुछ और होती है और हाई स्कूल वाली उम्र कुछ और होती है, और यहां एमसीयू का स्पाइडरमैन अभी भी यहीं अटका है। खैर फिर भी एमसीयू की आंट में काफी बिंदास, एक्टिव, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और ब्यूटीफुल है। पीटर की फिक्र करती हैं, उसे एडवाइस करती हैं कि वो ऐसी मुसीबत वाली जगह ना फंसा करे, मगर एक सबसे इम्पोर्टेंट खासियत वाली बात यह नजर आती है कि आंट मे में कि वो पीटर के साथ दोस्तों जैसा रिलेशनशिप रखती है, और ये खूबी सबको पसंद आती है। कुछ नया तो देखने को मिला, और धीरे बोलता हूँ बहुत ज्यादा ही मिल गया। अब इतनी बात कर ही लिए हैं तो कुछ कमियां भी जान लेते हैं। ये तो हमने खूबियां कंपेयर कर ली नई वाली और पुरानी वाली आंट मे को लेकर, मगर इस एमसीयू की आंट मे को लेकर कुछ ऐसे बातें भी हैं कि इस आंट मे के मूवी में रहना या रहना कोई मतलब नहीं बनता। अब जैसे कि ऐसे समझो कि मैंने बोला कि पीटर की मेजर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मे का भी काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि जब पीटर दुनिया से थक हार के घर पे होता है तो उसे इमोशनली सपोर्ट करने के लिए उसकी आंट ही होती है, और यहाँ हमें आंट मे में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। जैसे कि जब टोनी ने पीटर का सूट ले लिया था तब हमें मे के अंदर पीटर को लेकर बहुत फिक्र नजर आती है, मगर उस इतने इंपॉर्टेंट सीन में भी मे ने पीटर को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाया। अब जानता हूँ कि हाँ उसे उस समय तक पता नहीं था। अब क्योंकि कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे पास्ट के तीनों स्पाइडरमैन मूवीज में कोई ना कोई ऐसा सीन तो होता ही है जहाँ पीटर मे के सामने रोते हुए अपनी फीलिंग जाहिर करता है। अब आप समझ ही सकते हैं कि आदमी रोते हुए अपनी फीलिंग सिर्फ उसी के सामने जाहिर करता है जिसे वो दिल से चाहे, और पास्ट की दोनों स्पाइडरमैन मूवीज में एमसीयू को छोड़ देते हैं, मे पार्कर ने पीटर को हिम्मत देने के लिए काफी मोटिवेट किया है। अब जहां रही एमसीयू वाली मे की बात, तो मोटिवेशन तो कम दिखता है मगर हर तीसरा आदमी मूवी में मे को लाइन मार रहा है। अब देखो लाइन मारने वाली बात कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि जैसे हैप्पी को ही ले लेते हैं, हैप्पी मे से फ्लर्ट सिर्फ इसीलिए कर पाता है क्योंकि वह फ्लर्ट करने देती है। अब मुझे भी अच्छा लगेगा कोई हमसे भी दो प्यार की बातें कर ले, मगर छोड़ो। अब जहां रही मे की फ्लर्ट या लाइन वाली बात, एक बार अच्छा लगता है कोई दिक्कत नहीं है, मगर हर एक पिक्चर में मे को लेकर एमसीयू की हर एक पिक्चर में कोई ना कोई उसे एडमायर कर ही रहा है। मतलब कि ऐसा फील हो रहा है कि वो कोई छोटा सा साइड कैरेक्टर हो जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है। तो जैसे कि अगर आज एमसीयू की स्पाइडरमैन 3 आ जाती है और अगर पर्दे पे मे दिखेगी तो हम यही सोचेंगे कि कुछ एंटरटेनिंग होने वाला है, कोई लाइन मारेगा, कॉमेडी होगी या दोनों की दोस्ती दिखेगी। अब दोस्ती की बात तो साइड में रख देते हैं क्योंकि ये मूवी में जाहिर करता है कि दोनों कितना क्लोज है, मगर इसके अलावा आंट मे का एमसीयू में काम कुछ खास नजर नहीं आता। अब जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया, मैं कोई कंप्लेन करने नहीं बैठा हूं, मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई बवाल या चीज देखने को मिलती है, एंटरटेन होता हूं, खूबसूरती को एडमायर करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे एमसीयू ने इसे अपनी फ्रेंचाइज में एज ए सेक्स जोक के रूप में दिखाया गया है वो दिक्कत है। अब एक बार तो अच्छा लगता है, पिक्चर है, जानता हूं कॉमेडी चाहिए, मगर हर एक बार ऐसी बहुत सी चीजें हैं मे और पीटर के रिलेशनशिप को लेकर जो हमने पास में मूवीज में देखी भी हैं। पीटर को जब भी कोई एडवाइस चाहिए होती है वो मे के पास आता है, वो रो भी रहा होता है तो मे के पास आया होता है, यहाँ तक कि वो पिट के भी आया होता है तो मे के पास आता है। पास्ट में हमने देखा भी है कि पीटर जब पिट के घर पहुंचता है तो मे परेशान हो जाती है, मगर यहाँ जब एमसीयू में पीटर पिट के आता है तो मे जस्ट कैजुअल रहती है।
वैसे भी इस सीन से कुछ ज्यादा पता नहीं चलता क्योंकि वो पास्ट में सिनेरियोस कुछ और थे, अंकल बेन हाल ही में मरे थे, तो सीन बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाता है। मगर एक बात यह सोचने वाली है कि जब मे को पता चलता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है तब वो इतनी शांत कैसे रहती है। अब जस्ट तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे घर वालों को पता चल जाए कि तुम एक सुपर हीरो हो और जब भी तुम ये सूट पहनोगे तुम्हारी जान को खतरा रहेगा। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतेगा कि शायद आज तुम घर नहीं आने वाले, मगर मे तो बहुत फ्री है। खैर अब ये सोचने वाला काम मैं आप पे छोड़ देता हूँ। पास में मे पार्कर एक आदर्शवादी महिला थी, मोटिवेशन की दुकान, मगर अब तो ठंडी में भी गर्मी का एहसास। खैर जैसी भी थी मेरे को मजा आती है ना। और आप क्या सोचते हैं, एमसीयू के मे पार्कर को लेकर उसके कुछ इमोशनल मोटिव्स दिखाने चाहिए या नहीं, या फिर जैसे चल रहा है चलने दो, इन दी एंड मजा आई ना। खैर अपने ओपिनियंस कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां मे पार्कर ने पीटर पार्कर के कैरेक्टर डेवलपमेंट में मदद की है तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखा कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नया आ गए हो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।